बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, हियर आई एम इकराम अब्दुल्ला विद द न्यू लेक्चर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 122 एंड 162। तो आज जो है हम एक दफ़ा, वैसे तो आज हमने पावर पॉइंट पढ़ना था, लेकिन हम पावर पॉइंट को जो है वो एक सेशन आगे कर लेते हैं जो कि लास्ट होगा हमारा। उससे पहले हम डॉस को प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि डॉस किस तरह होता है, क्योंकि ये चीज़ जो है वो आपकी मैकेनिकल और केमिकल के कोर्स में शामिल है, इलेक्ट्रिकल के कोर्स में ये चीज़ नहीं शामिल। ठीक है, तो सबसे पहले डॉस क्या होता है। डॉस के डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और फिर जो है वो कमांड बेस, एक कमांड बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये शुरू इस तरह से होता है, इसमें एक कमांड प्रॉम्प्ट, इसमें जाके यहाँ पे। ठीक है, तो वैसे डॉस एक अलग-अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन जो कमांड बेस कुछ चीज़ें जो है वो डॉस की इसमें कह लो कि ये जो है ना आ जाती हैं। ठीक है, तो नंबर वन है, ठीक है, कि डॉस की कुछ कमांड्स होती हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट जो कमांड है जो हम यूज़ करते हैं वो CLS, यानी कि स्क्रीन क्लियर। ठीक है, अच्छा पहले तो मैं आपको ये लगा दूँ, जे के एल कुछ भी नहीं है कमांड, जे ई क्लियर। ठीक है, अब देखें, अब पहली कमांड हमारी है CLS। ठीक है, जिसका मतलब है क्लियर स्क्रीन। ठीक है, अब हम CLES लगा देंगे तब भी ये कमांड जो है वो काम नहीं करेगी। ठीक है, इसको कहते हैं केस सेंसिटिव, यानी कि जो चीज़ आपने, मतलब कि जो चीज़ इसने आपको दी है, यानी कि CLS क्लियर स्क्रीन की इसने बताई है कि आपको CLS है, ना वो CLES है ना वो CLSE है, वो CLS ही है। ठीक है, केस सेंसिटिव है, मतलब कि ये अगर आप इसको CLS लिखेंगे तो ये काम करेगी, यानी कि आपने CLS किया तो इस कमांड ने काम किया। ठीक है, अच्छा नंबर दूसरी कमांड है हमारे पास DIR है, डायरेक्टरी की। ठीक है, तो ये कुछ डायरेक्टरीज आपको शो करेगी। ठीक है, कॉन्टैक्ट, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, फेवरेट, जो जो चीज़ें आपकी यहाँ पे कह लो कि अगर आप कहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये डायरेक्टरी में आपकी, ठीक है, जो जो चीज़ें इसमें हैं देख वही चीज़ें इसमें इसमें आपको दिखाएंगे। ठीक है, वीडियोस तक यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपकी डायरेक्टरीज हैं। ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्टरीज शोज होंगी। ठीक है, तो आप इसको अगर ऐसे कर दो CLS, ये स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद VOLD, ठीक है, अब ये मैंने वॉल्यूम डी की कमांड मतलब लगाई है, VOLD के बाद देखें ये दो डॉट दे रहे हैं। अगर मैंने इससे पहले अगर दो डॉट नहीं दिए थे तो इसने कहा कि आपकी कमांड जो है वो गलत है, या मैंने VOLD इकट्ठा मिला के लिखा तब भी इसने कहा कि आपकी की कमांड गलत है, तो मैंने VOL स्पेस डी और ये दो डॉट दिए। ठीक है, तो अब ये बता रहा है कि वॉल्यूम VOL स्टैंड फॉर है वॉल्यूम। ठीक है, तो ये बता रहा है कि वॉल्यूम इन ड्राइव डी इज इकराम। ठीक है, कहता है कि
जो वॉल्यूम डी ड्राइव में है वो कौन सा है, उसका नाम बताया इकराम। लेकिन देखिए मैंने डी लिखा था, ये इसने डी का बताया कि ये इकराम है, ठीक है। और इसका जो है वो वॉल्यूम सीरियल नंबर, ठीक है, जो हार्ड ड्राइव पे है, वॉल्यूम सीरियल नंबर भी बताया है इसका, 241FCCE, ठीक है। अच्छा चलें इसके बाद हम कर लेते हैं वी ओ एल, फिर स्पेस देंगे, फिर हम सी देंगे, फिर डॉट देंगे। अच्छा जी, अभी कह रहे कि वॉल्यूम ड्राइव इज़ नो नेम, नो लेबल। लेबल का मतलब होता है कि नाम देना, ठीक है, कोई इसको कोई भी नाम दे देना, ठीक है। तो ये लोकल डिस्क लिखा हुआ सी, तो ये कह रहा है कि इस पे लेबल नहीं है, पर इसका सीरियल नंबर जो है वो इसने ये बताया, ठीक है। बिलफर्ज मैं इसको नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये विंडोज आ गया, अब हम करते हैं, उम्मीद है कि इसे देना चाहिए। वॉल्यूम इन ड्राइव सी इज विंडोज, ठीक है, ये विंडोज इसका नाम है, ठीक है। इस तरह से ये मेरे पास है वॉल्यूम ENGL, इसका पोर्ट नंबर आ गया। देखिए ये पोर्ट सीरियल, सॉरी सीरियल नंबर भी इसमें सबके सेम है, उसी के एक जैसे नहीं, ठीक है। अच्छा तो ये कमांड थी, और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो डायरेक्टरीज की कमांड हैं, ये तो देखे ना ये कहाँ पे खड़ा है, ये सी पे खड़ा है, ठीक है। अब ये आपको ज़ाहिर आप DIR देंगे तो ये सी की डायरेक्टरीज बताएगा, ठीक है, CLS कमांड देंगे। अगर आप कहते हैं कि डी का लेते हैं, DIR डी, तो ये देखें इसकी डायरेक्टरी जो इसके अंदर जितने भी फोल्डर्स हैं ये बताएगा, ठीक है। अब देखें ये कौन कौन से हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। आलसवान डेटा डाउनलोड, गोल्डन मूवी, पीसी मटेरियल, पिक्स, सीड्स ऑफ टॉरेंट, ठीक है। अब देखिए ये सारे के सारे यहाँ, सीड्स ऑफ टॉरेंट, पिक्स, पीसी मटेरियल, मूवीज, गोल्ड एम, डाउनलोड डेटा, ठीक है, और प्लस में ये। अच्छा ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। सेकेंडली अगर आप इसमें जाते हैं, अगर आप यहाँ लिखते हैं कि DIR, तो ये इसमें दो ही फोल्डर हैं, इंटरटेनमेंट और देखते हैं, यही है, ठीक है, ये। तो ये चीज़ें इस तरह से आपको ये डायरेक्टिव वगैरह बताएगा। और दूसरी इसमें आ जाती है टाइम की, ठीक है, जस्ट आपने लिखना टाइम, या आपसे न्यू टाइम मांगी है, पर इधर टाइम चेंज होगा नहीं, क्यों नहीं होगा इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब ये देखें 10 बज के यहाँ कितना हो रहा है, 53 मिनट, चलो हम 55 लिखते हैं, 10 बज के 55 मिनट, इसी तरह देना। देखो ऊपर जो फॉर्मेट है बिल्कुल उसी तरह देना, 09 कर देते हैं, डॉट 32 कर देते हैं, ठीक है। कहता है कि ए रिक्वायर रिक्वायर्ड अ प्री, अच्छा ये कह रहा है कि ए रिक्वायर्ड प्रिविलेज इज नॉट हेल्ड बाय द क्लाइंट, ठीक है। ये प्रिविलेज क्या है, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो मैंने ये ओपन किया कमांड प्रॉम्प्ट का, ठीक है। आप अभी हम इसको कर देते हैं बंद, आपको याद होगा कि ये प्रिविलेज, ठीक है। अब मैंने कैसे ओपन किया था इसको, मैंने जस्ट यहाँ जाके ओपन कर दिया था, लेकिन जो सिस्टमेटिकली आपने कोई भी चेंजिंग करनी है, देखिए अब तक जो भी चीज़ें थी वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा था, डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन दे रहा था, वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन दे रहा था, लेकिन हम कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर रहे थे। टाइम एक चेंजिंग है, ठीक है, उसको हमने राइट क्लिक करके यहाँ, ठीक है, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, फिर आपने यहाँ पे इसको कर लेना है, ठीक है। अब इसको CLS किया, ठीक है, अब आप यहाँ दें टाइम, ठीक है, ये 54 मिनट है। अब आपने कितना लिखना है, 10 बज के इसको 58 मिनट, सॉरी मैं डबल डाल दिया, 58 मिनट, ठीक है, प्लस में ये गलत आ गया, ठीक है। अच्छा ये 32 ही कर देते हैं, ये देखें अभी इधर कितना है,
फिर कितना 10 बज के मैंने 58 दी, हो गए 58। ठीक है, तो हम इसको टाइम को जो है ना पहले जैसा ही कर देते हैं। टाइम क्या टाइम होगा, 10 बज के 10 मिनट, टाइम 55। दोबारा 55। ठीक है, तो ये थी कुछ कमांड्स। मैंने एक डायरेक्टरीज की बताई थी, डायरेक्टरीज की और वॉल्यूम की और टाइम की। ठीक है, तो कल को हम इसकी देखेंगे कि डेट की कमांड्स और कुछ फोल्डर क्रिएट करने की कमांड, या कुछ इस तरह की जनरल कमांड जो है वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, हाँ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।